मेरे वतन के लोगों, सर आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, सर आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवाबो अपने, थी धन्य जवानी उनकी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जितना मधुर गीत उतनी मधुर आवाज, तो अब अपने गीत की प्रस्तुति करने के लिए आ रहे हैं कथक। Thank you.
वाणी में परिवर्तित हो जाता है। अपने इसी देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने आ रही है आरती शाह अपना नृत्य लेकर। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की जहां गोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। भाग्यवान है वो जो माँ की आन बान और शान में जीता है। भाग्यवान है वो जिसे माँ की मिट्टी पे लहू बहाने का मौका मिलता है। अरे अमर है वो माँ के दामन में खेलता हुआ बच्चा। अमर है वो माँ के दामन में खेलता हुआ बच्चा जिसे शहीद कहके नवाजा जाता है। इसी तरह हमारे बीच भारत माता के प्रति अपना भाव व्यक्त करता गीत लेके आ रहे हैं माला उपाध्याय। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है नहीं कहीं तेरे सा कोई नहीं है हसी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा नहीं कहीं तेरे सा कोई नहीं मैं गया जहाँ बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम अम्मा तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जहाँ देखो वहाँ मैं तेरा हूँ दीवाना मैं चूमू ना चूंगा तेरे प्यार का तराना मैं चंदा नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत नहीं बस लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना एक नजर जब तेरी होती है प्यार की दुनिया तब तो मेरी चमके दमके महके तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी ठंड है प्यार में वंदे मातरम वंदे मातरम
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा अपनी ही बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा मुझको फिर वो प्यार दे। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। पवन, मैं आशा करती हूँ कि आपकी कहानी सुनकर सभी के मन में एक देशभक्ति की लहर जाग चुकी होगी। मेरे देश की मिट्टी में भी पता नहीं क्या खास बात है, कोई फतेह कराता है और मिट्टी को ऊंचा करता है, कोई दम तोड़ देता है और मिट्टी का हो जाता है। तो इसी के साथ मैं खुशी को बुलाना चाहूँगी अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पावन फल्लू। टुडे वी विल टॉक अबाउट अननोन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। भारत सोने की चिड़िया है, भारत सोने की चिड़िया है, पर अत्यारे सोनू देखातू नथी। આપણે આપણી હિસ્ટ્રીમાં ખાલી એટલું જ ભણ્યા છીએ કે મુગલ રાજ કરી ગયા, બ્રિટિશ રાજ કરી ગયા, રિયાલિટી તો કંઈક અલગ જ છે। પણ જો ટેક્સ્ટબુક મુજબ જઈએ તો અમુક ફ્રીડમ ફાઈટર એવા છે કે જેને આપણે ઓળખતા પણ નથી। એવા ફ્રીડમ ફાઈટર્સ કે જેને પોતાની લાઈફને દેશ કરતાં નીચી રાખીને દેશના દેશ માટે એમને શહીદ થઈ ગયા, પણ એને એટલો જ દરજ્જો મળવો જોઈએ જેટલા આપણે બીજા બધા ફ્રીડમ ફાઈટર્સને દઈએ છીએ। તો વાત કરી માતાંગીની હાજરા ઉપર। નાની વયે પોતાનાથી 20 વર્ષ મોટા યુવક સાથે તેમને લગ્ન થઈ ગયા અને થોડાક જ વર્ષોમાં તે વિધવા થઈ ગયા, પણ તે ઘરે બેસી રહેવાની જગ્યાએ ક્રાંતિકારી ચળવળમાં ભાગ લેવા માંડ્યા। તેઓ ગાંધીબુરીના નામથી પણ ઓળખાય છે। 73 વર્ષની ઉંમરે 6000 લોકોનું નેતૃત્વ કરીને તે એક ત્યાંના સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનને ઘેરવા માટે ગયા અને ત્યારે પોલીસના ફાયરિંગથી તેમને 3 ગોળી વાગી, પણ તેમ છતાં હાથમાં પકડેલા ભારત માતાના ઝંડાને તેમણે નીચે ન પડવા દીધો। અને બધા એમ કહે છે કે સ્વર્ગે પણ ભારત માતાનો ઝંડો લઈને જ ગયા હતા। ટ્વિટર પર જય હિન્દ ટ્વીટ કરવું એ પેટ્રોટિઝમ નથી, આ છે સાચું પેટ્રોટિઝમ। હવે વાત કરીએ એવા ટ્રીઓની કે જેમનું યોગદાન બંગાળની ચળવળમાં બહુ જ વધારે છે, અને આ યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખી તેમના પર એક મૂવી પણ બનાવવામાં આવે છે, ટ્રીઓ ઓફ બિનોય, બાદલ અને દિનેશ। જેટલી સિટીઓ સ્પાઈડરમેન નો વે હોમમાં 3 સ્પાઈડરમેન જોઈને મારેલી, એટલું જ સન્માન આ ટ્રીઓને આપજો, ટ્રીઓ ઓફ બિનોય બાસુ, બાદલ ગુપ્તા, દિનેશ ગુપ્તા। સુભાષચંદ્ર બોઝના માર્ગદર્શન નીચે રાઇટર બિલ્ડિંગમાં ઘૂસીને કર્નલ સિમ્સનને મારવાની હત્યાનો પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો। તેમાં બિનોય બાસુ, બાદલ ગુપ્તા અને દિનેશ ગુપ્તાએ આ વાતનું બેડું ઉપાડ્યું। તેઓ અંગ્રેજ કપડાં પહેરી અંગ્રેજ જેવા થઈને તે બિલ્ડિંગમાં ઘૂસી ગયા અને આજુબાજુ પોલીસ હોવા છતાં કર્નલ સિમ્સનને માર્યું અને કર્નલ સિમ્સન અને 5-10 બીજા પોલીસવાળાઓની પણ હત્યા કરી નાખી। પણ આજુબાજુ વધારે પોલીસ હોવાથી અને પોતે પકડાઈ જવાના ભયથી બિનોએ પોટેશિયમ સાયનાઇડ ખાઈને પોતાની જાન દઈ દીધી અને બાદલ ગુપ્તા અને દિનેશ ગુપ્તાએ બેએ પોતાને ગોળી મારી દીધી અને બંગાળની જ ધરતીમાં આ ત્રણેય બંગાળીઓ હોમાઈ ગયા।
હવે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હજી તો ઘણા બધા એવા સુરવીર છે કે જેને ભારત માતા માટે પોતાનો જીવ હસતા હસતા આપી દીધો છે, પણ આપણે તેમને ઓળખતા નથી. આપણે આવા જ સુરવીર વિશે વાત કરતા રહીશું. ભારત માતાની જય. પવન, મેં આશા કરતી હું કે આપકી કહાની સુનકર સભી કે મન મેં એક દેશભક્તિ કી લહેર જાગ ચુકી હોગી. મેરે દેશ કી મિટ્ટી મેં ભી પતા નહીં ક્યા ખાસ બાત હૈ. કોઈ ફતેહ કરાતા હૈ ઓર મિટ્ટી કો ઊંચા કરતા હૈ, કોઈ દમ તોડ દેતા હૈ ઓર મિટ્ટી કા હો જાતા હૈ. તો ઇસી કે સાથ મેં ખુશી કો બુલાના ચાહુંગી અપના નૃત્ય પ્રસ્તુત કરને કે લિયે. થોડા સા વતન કા ભી હક થા, ના દેખ મુઝે યું મુડ મુડ કે તેરા મેરા સાથ યહી તક થા. યે તેરી જમીન તેરે ખૂન સે હી તો સજતી સવરતી હૈ રાંઝે, તેરે ઇશ્ક કી મેં હકદાર નહીં, તેરી હીર તો ધરતી હૈ રાંઝે. તેરી મિટ્ટી મેં મિલ જાવા ગુલ બન કે, મેં ખિલ જાવા ઇતની સી હૈ દિલ કી આરઝૂ. તેરી નદીઓ મેં બહે જાવા, તેરે ખેતો મેં લહેરાવા, ઇતની સી હૈ દિલ કી આરઝૂ.
आपका ये संगीत ही मिला दिल तक छुआ है, बहुत ही मधुर संगीत। तो आइए इसी के साथ अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दिल थाम के बैठे दोस्तों, क्योंकि अब आपके सामने आ रही है अलीशा अपना पावर पैक डांस परफॉर्मेंस लेके। कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है है हमको प्यार से। इंडिया वाले छूटे दिल के तार से, इंडिया वाले हर चीज जीत ले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले। आंखों की आंखों की चाबी से थोड़ा बेताबी से कैसे खोले रे मेरे हाले, आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूंकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। दर्द सुनहरी अंबर नीला हो, दर्द सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो,
बोले पपीहा कोयल गाए सावन गिर गिर आए। ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए। पनघट पर पनहरन जब गगरी बनने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले मेलों में नट के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चूरन की है पुड़िया। बोले बोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया और इनको रोज सुनाए दादी नानी रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। घड़ी है देखो सब
से बड़ी, हमसे बस दो कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। जो किसी के भी आगे झुका नहीं, हाँ मैं हूँ उस देश का। बैठ के ले नजारा स्क्रैबल और बेस का। सीधा चलू या चलू ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। मैं चुकाऊं तेरा एहसान, मैं तेरी चुनरिया लहराए। सुजलाम सुफलाम मयति शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। सुजलाम सुफलाम मयति शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। क्या बेहतरीन डांस था जी का। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे साथी दोस्तों ने आज के इस कार्यक्रम को कितना शानदार बनाया। किसी ने डांस, किसी ने पेंटिंग, तो किसी ने सुंदर और मधुर संगीत से आज के इस कार्यक्रम में अलग ही ऊर्जा डाल दी। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम की अंतिम घड़ी आ गई है, पर अंत से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। ना मंदिर जानता है, ना मस्जिद जानता है, ना गिरजा घर जानता है, जो भूखा है वो सिर्फ निवाले को जानता है। तो साथ मिलकर रहिए, भाईचारा और एकता बनाए रखिए, हंसते और हंसाते रहिए, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो इसी के साथ मैं प्रिंसी बडानिया कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ और अब आपसे विदा लेती हूँ। भारत माता की जय। Thank you.